हमारी आज की वीडियो एडिट हो रही है, जो हमने स्टोरी वीडियो शूट की थी, तो एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है। सब लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है। हम नहीं देख रहे हैं। गुन्नू का सबसे पहला रोल है ना गुन्नू, तुम्हारा पहला वीडियो है स्टोरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू किट्टू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये रात का समय है और ये पूरा झोला भर के मैं ले जा रही हूँ ब्लाउज स्टिच कराने के लिए। अभी इतना सारा मैं स्टिच करा के आई थी, फिर बहुत सारा हो गया था, तो मैं कही चलो चलते हैं फिर से करा लेते हैं, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है तो बहुत सारे लोग कॉन्सलेशन कराना चाहते हैं, तो उसी के लिए। और तो आ गया है, एक एक दिन आप लोग देख रहे हैं, एक एक दिन करके मैं डेली कुछ ना कुछ पहन करके वीडियो बना रही हूँ। अभी फिर से आ गया था, बहुत ढेर सारा चलाने जा रहा, पैदल आ रही थी ना, इस वजह से बोला नहीं जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शाम को टहलने के लिए, मैं भी तो ऐसे ही टहल रही हूँ, पर उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं अकेले ही निकल गई। और मैं देखी किसी का वेट कर रही थी, क्लियर पड़ गई, अगर इधर होंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और होंगी, पता नहीं कहाँ है, उनको मैं कॉल करके पूछती हूँ, इधर तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। अच्छा, मंदिर के सामने उन्होंने बोला कि मैं मंदिर के सामने हूँ। अभी थोड़ा सा काला काला हो रहा होगा ना, ये चीज़ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा काला काला। और करवा चौथ ऐसा होता है जिसमें, करवा चौथ एक तीज होता है हमारे में, तो चीज़ लोग बहुत दिन से इसका इंतज़ार करते हैं, लोग सजने संवरने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, तो उसी की तैयारी हम भी करेंगे। इस बार हम करवा चौथ पे कैसा लुक लेंगे, कुछ डिफरेंट लेंगे हम सोच रहे हैं, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और मेरा हाथ दर्द करने लगा ब्लॉग शूट करते करते। ए, अभी हाथ नहीं सही हुआ आपका? नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। ना ना, मैं ना बढ़ा लूँगी ना, हाथ सही नहीं हुआ अभी, अगर देखो देख लूंगी पहले 15 दिन में कितनी आती है, अगर वो कह रहा था लास्ट के 4 दिन मैं अपनी गाड़ी से, तो 1 तारीख को कटेगा, फिर उसके बाद अभी इनका 1 तारीख को, चलो ठीक है, प्लास्टर कटेगा, तो इनके देखिए हाथ टूट गए हैं, और कहीं ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरे थे, बस थोड़े से ऊंचाई पे। वो भी आ रहे हैं, एक वीडियो एडिट कर रहे हैं, बोले मैं आ रहा हूँ, तो हम कहते तब तक हम टहलते हैं, हम नहीं जाएंगे। मैंने सोचा चली जाओ, मैं अपने लन के रुक जाऊंगी, आप आ जाना। कहाँ रुकोगे? रुक है वहीं पे हो? अच्छा, तो इनके पापा आएंगे तो लेकर आएंगे। अच्छा, सही है। क्या बोल रहे हो? कुछ तो बोले हो, क्या बोले? क्या खाएंगे? चीजी क्या होता है? अच्छा अच्छा, चीजी मतलब कोई सामान? अच्छा, कह रहे मम्मी पैसे ले लिए? नहीं, अभी वो नहीं होंगे, आ रहे होंगे, भी आएंगे। हाँ, अभी आएंगे। पता है क्या, मैं भी गाड़ी, तो फाइनली ये आ गए थे, और मैं गई थी काफ़ी लेट से गई थी, और मैं अभी को आई हूँ, क्योंकि बहुत देर से हम लोग गए थे, तो थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। शायद यहाँ जहाँ जाते हैं ना, इनको कुछ ज़्यादा ही समझाना, क्योंकि ये बहुत डीपली से लिखती हैं, एक एक चीज़ लिखती हैं, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है ना जी। एक चीज़ तो कमी है आपके अंदर, तुरंत बोलते नहीं है, आप तो you know, darling, कुछ, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा कभी होता है कि नहीं कुछ नहीं करते हैं? आपसे बात करना बेकार है। सो गाइज, हम लोग गए थे काम से बाहर, फिर आ गए। किट्टू का नया कलेक्शन देखो अभी इतना हम लोग दे दिए थे कपड़ा, फिर पूरा बेड भर गया कपड़े से। कुछ कोलोबेशन का भी है, तो अभी हम लोग के पास टाइम नहीं, बाद में करेंगे, तो किट्टू अंदर दबा के रख लेंगे। इधर दे बाबू, इधर जगह है। अरे भाई, अब देखो तुम इसमें जो पहनने वाले शर्ट वगैरह उसमें दाब दी हो, वो देखो जब शायद निकालो उसको पहनने के लिए, फिर बोलती हूँ कुछ है नहीं पहनने के लिए। अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे ऊपर निकालो शर्ट और जींस निकालो, लापरवाही कर रही हो, नए नए कपड़े डाल दिए उसके अंदर। नीला वाला भी निकाल लो पहनने के लिए, कब पहनोगी सब? अब निकालो ये भी पैंट, वो देखो चला आ रहा है, चलो लड़े ना।
कहाँ आ रहे हो? कहाँ है किट्टो? देखो बस पैंट ज्यादा हो गया यार। तो पता नहीं तुम्हारे पास पैंट है, ये तुम्हारा नाइट ड्रेस वाला है ना, निकल गया इसका। निकालो ये सब, ये प्रेस करने को। ये क्यों रखी हो अंदर? प्रेस किए हम, लग रहा है प्रेस हुआ है। प्रेस करवा दो। ये कह रहे हैं ये क्यों निकाल रखी, इसको रख लो पहनने के लिए। अरे इसका बटन ऊपर का नहीं है। बटन लग जाएगा, टेलर को दे देंगे, निकालो बटन लगा के दे देगा, 5 रुपए का लगेगा बटन, क्या दिक्कत है। ये भी इसके अंदर डाली, बताओ कहीं जाना तो फिर बोलती क्या पहनूं मैं यार। हद कर रखी है एकदम, कुल कपड़ा घुसेड़ दिए इसी के अंदर। बताओ लो पता है जब उस टाइम वो था ना। ये किसका पजामा है, रख लो, कभी कभी ढूंढती हो क्या कुछ है नहीं पहनने के लिए। अरे चलो ये भी तो लिए थे लेकिन ये बहुत ढीला है ना। पहन डालो, ढीला ही तो पहना जाता है आजकल। निकालो इसको, कब ली थी ये? ये आपके साथ देने कब ली? बताओ, खरीद लेती पता ही नहीं रहता कब पहनना है। अब देखो इतना सारा हो गया पहन। हाँ तो ठीक है, फिर जाना होता है कहीं बोलती क्या पहनूं मैं। टी शर्ट है क्या ये? सब इनर है अंदर पहनने के लिए, जैसे जो नेट वाला होता है ये सब। ये भी देखो खरीदे थे इसमें। हाँ तो सब निकाल लो, पहन लिया करो। अरे नहीं मन करता। नहीं मन करता है, निकाल लो कहीं इधर उधर जाने जाने के लिए, सही तो है, रहेगा बाहर तो ही तो पहनोगी। तो आज किट्टू ने अपना पिटारा सारा खोल दिया है। और इतना देखो ये जो ड्रेस पहनी है इसके अंदर दबाग रखी, इसको मैं इतना डांटा हूँ, मम्मी भी डांटी है, पहनो 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 तो पहनी है ये। अरे जब ये पहने थे ना बहुत पेट निकला था, वो बात दूसरी थी। ये रहा इसका, वो ये देखो बहुत प्यारा है। ये ना कि सारे पैजामा फट गया इसलिए नहीं पहनते। पैजामा सिलवा लो। नहीं, सिलाई खोला होगा कि फट के अलग हो गया है। नहीं पहनने इसको मम्मी पहले पहना। सुनो क्या? तो दोस्तों ये दूसरे टाइम का नहीं, मतलब कि दूसरे दिन का है। मुझे लगा उसी दिन का, मतलब कि मैंने देखा नहीं यार, मैं ही एडिट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे मैंने खाना पीना बना लिया था। आज मैंने खाना बनाया था दाल चावल रोटी सब्जी, तोरी की सब्जी और दाल चावल रोटी, तो जल्दी बना ली थी क्योंकि आज बहुत जल्दी सुबह उठे थे क्योंकि हमको स्टोरी वीडियो बनाना था। तो मैंने सोचा चलो जितना जल्दी खाना बना लेंगे उतना जल्दी सारा काम निपट जाएगा। तो दोनों मम्मी, कुछ मम्मी कर रही थी कुछ हम करते, ऐसा नहीं है गाइस कि हम सारा सब कुछ अकेले करें। अगर मम्मी बाबू को देखते हैं तो फिर मैं किचन देख लेती हूँ, अगर मम्मी किचन देखती तो बाबू तो हम देखते बाबू को, ऐसे ही हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे खिलौने बाबू को खेलने को थे ना, ला दिए थे बाबू को ना, तो उसके बाद मैं ना सारा खिलौना देती उसको खेलने के लिए। तो नहा धो लिया था मैंने, नहला दिया था, जब तक ये नहाता नहीं तब तक कैसे से उछड़ता है। तो वही नहलाने के बाद फिर किचन में जो काम था तो उसको चले गए थे हम नहलाने के लिए। फिर वहाँ से नहला पूरा किचन साफ वगैरह किए, बर्तन वगैरह धुले, और उसके बाद पूरा जो सामान है इधर उधर फैला हुआ है तो उसको मैं एक तरफ करती हूँ, क्योंकि बाबू जब सो के सुबह उठता है तो सारे खिलौने से ही खेलता है। और गाइस आजकल तो थोड़ा सा मेहनत हो जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट उठा के देखिएगा कि किट्टो कैसे दुबली हो गई, किट्टो कैसे पतली हो गई, किट्टो पता नहीं आप लोग को क्यों लगता है, मुझे तो लगता है, मुझे लगता है कि मैं तो वैसे की वैसे ही हूँ। लेकिन मुझे आज एक चीज़ की बहुत खुशी हुई बहुत ज़्यादा, ये मेरा जानते हैं जब बाबू पेट में भी नहीं था तब का ये सूट है। जब सचिन भाई का सेकेंड एनिवर्सरी था तब मैं ये पहन के गई थी सूट, बहुत दिन पहले सोच लो, तब का ये सूट था। और मुझे थोड़ा सा मतलब पेट उट में हल्का दिख रहा है, पेट टाइट और बाजू, तो कल जैसे सारा बैर वो सब निकाल रहे थे ना तो ये मुझे सूट मिला। तो ये बोले कि पहनती क्यों नहीं, उनके आएगा ही नहीं, लेकिन जब मैंने आज पहना तो मुझे आ गया। मैं बहुत 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 खुशी, जैसे लग रहा है मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, बाबू पीछे पीछे आ रहा था, मैं बोली वहीं रहो वहीं रहो वहीं रहो, फिर पीछे से मम्मी आती हैं देखती उसको लेती हैं, क्योंकि झाड़ू के टाइम ना ये कोई भी चीज़ देखता है तुरंत मुंह में डाल देता है, इसीलिए इसको बोलते थोड़ा दूर रहा करो दूर रहा करो। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धुल लिया, किचन भी साफ कर लिया, बाबू का सारा सामान हटा करके जहाँ जहाँ जो सामान रखा जाता है वहाँ रख दिया। फिर आ जाते हैं वही नीचे, जमीन जमीन साफ करना होता है, बाकी उधर तो उतना फैला नहीं था, बस खाली बाबू का खिलौना फैला था, बाकी तो ऐसा कुछ डस्ट वगैरह आता नहीं है। तो इसीलिए मैं इसी को ही बस किचन साइड एरिया में बस झाड़ू मार करके पोछा लगाती हूँ।
यहाँ पे मतलब कि आ गए थे ब्लैंकेट से भी सामान वगैरह मंगा रखे थे बाबू का बहुत सा, जैसे डायपर ख़त्म था तो डायपर मंगा वगैरह रखे थे हम। तो गैस ये शाम का टाइम है और ये वाला जो सूट देख रहे हो जैसा कि मैंने बताया वीडियो में, ये सूट मुझे बहुत पहले का ये सूट प्रमोशन के लिए था, लेकिन मैं बस वन टाइम एक दिन के लिए पहने थे, फिर ये सूट मैंने दोबारा पहना नहीं। लेकिन जब सचिन भाई का सेकेंड एनिवर्सरी था उसमें मैं गई, नहीं सेकेंड एनिवर्सरी का भी अभी याद आया, कार्तिक का मिष्टू मिष्टी के बच्चे का ना फर्स्ट बर्थडे था, अब तो ये 3 साल का हो जाएगा, ये 3रा लग गया उसका। सोच लो ये सूट तब का है और ये मुझे आ गया, उस टाइम थोड़ा सा ढीला था, लेकिन थोड़ा होता है ना बेबी होने के बाद वेट तो बढ़ ही जाता है। ये मुझे है ना जैसे लग रहा है मेरी ज़िंदगी कितनी बड़ी खुशियाँ मिल गई, मैं रोती थी यार इतनी चुच्चे सूट है मेरे को आता नहीं है। और उसके बाद ये मुझे आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो आप लोग को बताइएगा, इतने सारे सूट इतने सारे साड़ी मैंने बेड के अंदर डाला, क्योंकि रक्त उसमें से बहुत सारे वीडियो का कोलब्रेशन भी करना है, ये करना है, करना बहुत सारी चीज़ें रहती है, रोज़ हम डेली एक 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 चीज़ का करते हैं, आप लोग खुद देखते हैं। और मैंने सोचा है कि उसमें से मैं अब ना बहुत सारे लोग को दान देने वाली हूँ, दान दूंगी, एक दिन निकलूंगी और जितने भी रोड पे रहते हैं ना मैं सबको एक तरफ से दूंगी, मैं रखूंगी नहीं, मैं ना खाली करूंगी पहले बेड अपना, और सब तो मैं बांट ही दी थी, लेकिन ये चीज़ सब हम दान देंगे, क्योंकि हम जितने भी मेरे साड़ी वगैरह शूट रहते हैं ना सब नए रहते, कुछ पुराने मैं पहनती हूँ रख दी, देखो सोचा इसको भी पहन करके रखा था, इसलिए मैंने इसे किसी को नहीं दिया, जो पहनती हूँ तुरंत बस वीडियो बनाने के बाद तुरंत रख देती हूँ, सोचो ब्लाउज का भी पैसा जाता है, ये फॉर्मिक को बहुत सारी चीज़ें होती है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आप लोग भी ज़्यादा बोरिंग हो रहे होंगे वीडियो को देख करके, हमको पता है वीडियो अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगेगी तो भी ठीक है। बाय बाय। The next day.